अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। हम ट्रेनिंग चल रही है खूब इस मौसम में भी, क्या बात है। अच्छा रशीद भाई, ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है उस बारे में कुछ बताएं। आखिर पहले टेस्ट मैच में अगर आप बात करते हो तो पहले टेस्ट मैच में एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैं कहूँगा सिलेक्शन कमेटी का, कि उन्होंने जैसे शादाब को खिलाया और शादाब को उसके कप्तान ने भी यूटिलाइज़ नहीं किया। आई थिंक उनको उनके ऊपर भरोसा नहीं था, तो हमारा एक बॉलर वेस्ट हुआ जिस वजह से हम लोग वो टेस्ट मैच हारे। और सेकंड टेस्ट मैच जो है ऑब्वियसली वॉश आउट हो गया, तो थर्ड टेस्ट पाकिस्तान के पास बड़ा वाइटल चांस है, अपनी गलतियों को ना दोहराया जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि जो गलतियाँ हम लोगों ने पहले टेस्ट मैच में की हैं दूसरे टेस्ट तीसरे टेस्ट मैच में नहीं होनी चाहिए। पिच को देखते हुए जो साइड है उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए, नॉट लाइक द फर्स्ट टेस्ट मैच। जैसे शादाब की मैंने अभी बात की है, तो शादाब उस वक्त अगर हमें उस कप्तान को कॉन्फिडेंस होता और उसको बॉलिंग करवाता और यासर शाह के साथ मिलकर वो भी उनके 11 प्लेयर्स को उड़ा सकते थे। एनी हाउ पास इज़ अ पास और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। नाउ थर्ड टेस्ट ऑन द हेड, तो लेट्स सी। अच्छा खलील भाई, ये बताएं कि नेक्स्ट टेस्ट में कैसी टीम खिलानी चाहिए और मौसम के हालो हवाल थोड़े बताएं। देखिए, वेदर तो एक कुदरत का एक अमल है, उसके ऊपर तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि पिच के मुताबिक जिस तरह पिच का बिहेवियर होगा। लाइक कप्तान है, मैच्योर है, कोच हमारे माशाल्लाह मोस्ट सीनियर हैं, वहाँ बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि हम लोगों को क्या 11 साइड पिक करनी चाहिए। तो 11 साइड पिक करने के लिए जैसे मैंने बोला लास्ट में जो ब्लंडर किया था, इस तरह का ब्लंडर नहीं होना चाहिए। शादाब की जगह पे इनको फास्ट बॉलर जो है उसको इन करना चाहिए, और जब तक आप 11 अपने नहीं आउट करेंगे, दो इनिंग्स हैं, आपको 22 खिलाड़ी आउट नहीं करते हो तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते हो। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा वाइटल चांस है कि वो इस सीरीज़ को बराबर कर सकता है, जीत तो नहीं सकते हम लेकिन हम बराबर कर सकते हैं, देन होप फॉर गुड्स।